बहुत सारे कमेंट्स आए आप लोग की सर ड्राइवर कैसे बना जाए आर्मी नेवी और एयरफोर्स में, कैसे हम डायरेक्ट ड्राइविंग ड्राइविंग लाइन पे जा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसमें ड्राइविंग में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो दोस्तों आर्मी में ड्राइवर का काम क्या रहता है, आर्मी में ड्राइवर क्या करता है? देखिए ड्राइवर उसमें बहुत सारे ड्राइवर होते हैं, एक तो होते हैं जो छोटे गाड़ी चलाते हैं मारुति जिप्सी वगैरह, दूसरे होते हैं जो बड़े बड़े गाड़ी चलाते हैं ALS हो गए टाइटन्स हो गए, और तीसरे जो हो गए टाट्रा वगैरह चलाते हैं जिनको हम DS बोलते हैं यानी ड्राइवर स्पेशल बोलते हैं। ठीक है, तो ड्राइवर में ये दो तीन टाइप के हैं। जैसे जैसे आप गाड़ी चलाते जाओगे बड़े बड़े गाड़ी चलाओगे ऐसे ऐसे आपकी क्या हो जाएगा अपग्रेड होता रहेगा। ठीक है, जो लास्ट आप जाते हो तो DS तक जाते हो ड्राइवर स्पेशल तक। पहली बात तो अगर आप इन्फेंट्री रेजिमेंट में जा रहे हो वहाँ पर क्या ड्राइवर का कोई ट्रेड नहीं होता, आप सीधा ट्रेनिंग सेंटर GD से करते हो। उसके बाद जब आप यूनिट में पोस्टिंग जाते हो इन्फेंट्री यूनिट्स में, वहाँ पर पूछा जाता है भाई सिविल में कोई गाड़ी चलाया है, अगर आपने गाड़ी चलाया आपके पास लाइसेंस है तब तो अच्छी बात है, लेकिन ये भी पूछा जाएगा कोई ड्राइवर बनना चाहता है तो वहाँ पर सीधे आप हाथ खड़ा कर सकते हो। वहीं से आपको MT सेक्शन यानी मोटर ट्रांसपोर्ट सेक्शन में कर दिया जाएगा, वहाँ पर आपको प्रॉपर ड्राइविंग सिखाया जाएगा। अगर ड्राइविंग सीखने के बाद आपको लाइसेंस भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो बिल्कुल सिविल में वैलिड है, इसमें डाउट नहीं रखना कि इंडियन आर्मी का ड्राइविंग लाइसेंस सिविल में वैलिड नहीं है। सिविल का ड्राइविंग लाइसेंस इंडियन आर्मी में वैलिड नहीं है, लेकिन इंडियन आर्मी का जो ड्राइविंग लाइसेंस हर जगह वैलिड हर जगह है। ठीक है, अपना नाम में ब्रांड है। ठीक है, तो नाम का नाम ही काफ़ी है इंडियन आर्मी। ठीक है, तो ड्राइवर में ये चीज़ें इन्फेंट्री में हो गए। अगर कुछ ट्रेड ऐसे जैसे आर्टिलरी में आप जा रहे हो, आर्टिलरी में क्या होता है आपकी जो उस समय अग्निवीर की अभी ट्रेनिंग चल रहा है, अभी तो अग्निवीर स्कीम आ गया, तो अग्निवीर की स्कीम के बीच में वहाँ पर आपकी ट्रेड टेस्ट होगा, कौन सी ट्रेड आपको मिलेगा। बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, ड्राइवर होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, सर्वेज होते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट होते हैं, ऑपरेटर फायर कंट्रोल OFCs होते हैं, उसके बाद क्या टेक्निकल असिस्टेंट TAs होते हैं। तो इनमें से आपके जो ड्राइविंग टेस्ट है सबके लास्ट में जिसके आई साइट बहुत अच्छा है और एग्जाम जिसके सबसे ख़राब है उसको मिलते हैं ड्राइवर टेस्ट, उसको बोलते हैं तो चल ड्राइवर बन जाए। ठीक है, कुछ नहीं है तो गाड़ी तो चला ही लेगा। जिसके आँख अच्छा होना चाहिए, आई साइट आपका 6x6 नहीं है तो ड्राइवर ट्रेड आपको नहीं मिलता है। तो आर्टिलरी में क्या है, इस प्रोसेस में आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा, मतलब ड्राइवर ट्रेड मिल जाएगा, आपकी आँख 6x6 होना चाहिए और एग्जाम में आपको सबसे नीचे आपकी स्कोर होना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से आपको मिल जाएगा। ये दोनों कोर आरटी और इन्फेंट्री के बाद बाकी जितने भी कोर हो गए AC हो गए AMC हो गए सप्लाई हो गए AD हो गए, ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट BRO को वैकेंसीज दे देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जैसे आपने अग्निवीर में डाली दिया, देने के बाद वहाँ से ड्राइवर की वैकेंसी यहीं से कर देते हैं, यहीं से आपको ड्राइवर मेंशन कर दिया जाता है। आप इनकी जो कोर में जाते ट्रेनिंग सेंटर में जाते आप ड्राइवर की ट्रेनिंग करते हो, करने के बाद सीधा आप ड्राइवर रहते हो जितने साल भी सर्विस करते हो। तो प्रोसेस अलग अलग चीज़ें हैं। अभी ड्राइवर करता है क्या, देखिए ड्राइवर जो बड़े बड़े गाड़ी होता है आपको पता है राशन लेना है, कहीं जाना है, किसी ऑफिसर्स की गाड़ी चलाना है, वो छोटे गाड़ी के लिए वो क्या पास करने होते हैं, पहले आपको क्लियर करना होगा, आपकी ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा चेक होता है, उसमें क्लियरली मेंशन है कि ये बंदा बाइक में पास है, मारुति जिप्सी में पास है, जो टाइटन और ALS रहते हैं आपने देखा होगा आर्मी की गाड़ी उसमें पास है, लेकिन जो बड़ा टाट्रा गाड़ी होता है बड़े बड़े जिसमें इक्विपमेंट्स जाते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पर क्या है ये पास नहीं है, तो वो गाड़ी आप चला नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि आप ड्राइवर नहीं बनोगे, वो गाड़ी फिलहाल नहीं चला सकते, इसकी कोर्स करोगे आप, उसकी गाड़ी को चलाओगे पास कर लोगे, फिर आपको ड्राइवर स्पेशल बनाया जाएगा DS, फिर आप वो गाड़ी चला सकते हो। जो जो आप गाड़ी चला सकते हो उसी लाइसेंस में मेंशन होता है। जैसे बस आर्मी की बस चलाने के लिए भी अलग सा टेस्ट होता है, आपको बस चलाना आना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप ड्राइवर हैं आप बाइक और मारुति जिप्सी छोटा चलाते हैं कल लेके बस में बैठा गया चला ले कहीं एक्सीडेंट करके ठोक दोगे, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कैसे होता है आपकी प्रोसेस बता दिया, जैसे जैसे आप पास करोगे जो जो टेस्ट में आप पास करते जाओगे आपकी OUV टिक होता जाएगा, फ्यूचर में आप चलाते जाओगे। ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग सेंटर में अगर आप मान लीजिए बस पास नहीं कर पाए, बस सिखाया सब जाएगा आपको, सब गाड़ी में आपको सिखाया जाएगा, पास नहीं कर पाए फ्यूचर में आपके पास जैसे अपग्रेडिंग क्लासेस होता है वहाँ पर आप टेस्ट देके आपको अपग्रेड कर सकते हो, लाइसेंस हमेशा अपग्रेड हो जाता है। RT में मैंने बता दिया कम मार्क्स और आई साइड आपकी अच्छा होना चाहिए अगर आप RT में जा रहे हो। उसके बाद इन्फेंट्री में बता दिया, जाने के बाद वही पूछते हैं किसको बनना है, आप हाथ खड़ा करो, वहीं से आप MT सेक्शन चले जाओगे, वहाँ से आपका गाड़ी सिखाया जाएगा। ठीक है, बाकी जितने भी कोर लगे नर्सिंग मतलब AMC आर्मी मेडिकल कोर सप्लाई कोर इंटेलिजेंस कोर जहाँ पर भी
आप जाओगे वहाँ पर से सीधा आपकी जो BRO जिस दिन डिस्पैच करेगा वही दिन लिख देगा ड्राइवर करके, और वहीं से वैकेंसी पहले आपको BRO को AR को दे दिया होगा, ZRO ने उसी को रखा होगा, जैसे आपका नाम आएगा ये चलो 10 बंदे ड्राइवर में, और ये उधर से जाते ही आपके जो ट्रेनिंग सेंटर होगा पहले आप बेसिक करोगे, फायरिंग वगैरह सीखोगे, क्योंकि वो तो सीखना ही है, सबका ट्रेनिंग सेंटर सेम होता है, जैसे आपका खत्म फिर आपकी ड्राइविंग की ट्रेनिंग शुरू, और अगले जब तक आप सर्विस करोगे आप ड्राइवर ही रहोगे। तो इस हिसाब से आप ड्राइवर बन सकते हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है इंडियन आर्मी में डायरेक्ट आप रिक्रूटमेंट अंडर ड्राइवर जाओगे, ये आपको कभी भी क्लियर मेंशन नहीं होगा। जो बाकी कोर में मैंने बोला कि यहाँ से डायरेक्ट आपको भेजेगा वो उसकी मर्जी है, आपको पता नहीं होगा कौन सी कितनी वैकेंसीज आया हुआ है, इसलिए आप डायरेक्ट तो नहीं जा सकते, लेकिन जो जो कोर में आप जा रहे हो इन्फेंट्री RT एंड अदर कोर्स का मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी कोर में कैसे जाओगे, तो उसी हिसाब से अगर आपको दिलचस्पी भी है गाड़ी गुड़ी चला रहे हैं, बहुत अच्छी ट्रेड है ऐसे बात नहीं है, बहुत चीज़ें सीखोगे, सिविल में भी गाड़ी चलाओगे, किसी ऑफिसर्स के साथ होगे, बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ होगे, फ्लैग स्टार जिनकी गाड़ी के सामने फ्लैग रहता है और स्टार्स रहते हैं, तो उनके साथ रहोगे तो आपकी एक अच्छी क्वालिटी लाइफ ही जी सकेगा, साथ में जो वार व्हीकल से बड़ा बड़ा गाड़ी है, लड़ाई के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान, नॉर्मल ड्यूटी रूटीन के दौरान गाड़ी चलाना आपका काम रहेगा, और सेफली आप गाड़ी चलाना ताकि आप सुरक्षा रहे, बाकी आपकी जवान भी सुरक्षा रखना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, आपके ऊपर वो भरोसा करके आपकी गाड़ी में बैठेंगे। बाकी जो भी ड्राइवर में जाना चाहता हूँ नीचे कमेंट करेगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो पक्का शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।